नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई सोमन। दोस्तों जो आप मैसेज कर रहे हो ना दोस्तों, कि भाई आप कौन सी मिट्टी खिलाते हो, या कुछ भाई मैसेज कर रहे हो भाई पोट जाम हो जा रहा है मिट्टी के बारे में बताइए, या कुछ भाई बोल रहे हैं कि भाई हमारी मादी ने अंडा नहीं दे रही है, कुछ भाई बोल रहे हैं भाई कबूतर सूखे में आ जा रहे हैं। सही बात है दोस्तों, इसमें मिट्टी खिलानी पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, जो भाई पैसे वाले हैं वो तो भाई ग्रिड मंगा लेते हैं, और जो भाई गरीब है या जो भाई इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो वो दोस्तों खुद ही मिट्टी बना लेते हैं। अब इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता दोस्तों, मैं खुद मिट्टी बनाता हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली एक ही बात होती है दोस्तों, कि कबूतरों को मिट्टी में क्या मिला के दे। जैसे सब जानते हैं दोस्तों, ईंटे का चूरा होता है, और जैसे थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं दोस्तों, काली मिट्टी जो गमलों में रहती है, ये तो सब भाई जानते हैं दोस्तों। लेकिन उसके साथ क्या मिलाया जाता है दोस्तों, उसका थोड़ा ध्यान देना पड़ता है दोस्तों। ये अपन मौसम के हिसाब से मिलाते हैं दोस्तों। जैसे अभी गर्मी का मौसम है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद बरसात का मौसम आएगा, है ना दोस्तों। तो अभी अब कबूतर को हम क्या दें, इतनी गर्मी है ना दोस्तों। तो इसके लिए हम लोग, मैं तो दोस्तों अभी क्या है, देख लीजिए आपके सामने पूरे कबूतर हष्ट पुष्ट है। क्या देता हूँ मैं विधिवत अभी गर्मी में, वो आपको बताता हूँ दोस्तों, कि उसके साथ क्या मिलाया जाए, क्या दिया जाए, कि आपके कबूतर का हाजमा एकदम A1 हो जाए दोस्तों। चलो दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, गर्मी में ये आपको दाने में जो मिट्टी बनाओगे उसमें मिला के ये देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसको इसमें अजवाइन है, ठीक है, काला नमक है, ठीक है, नेरोबोन फोल्ड की गोलियां हैं दोस्तों, और ये थोड़ी सी हींग है दोस्तों मिट्टी में स्वाद के लिए, ठीक है। ये हींग और जो मिट्टी में ये अजवाइन है, ये दो ईंटे में आधा आधा चम्मच डालना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अभी तो देखो दोस्तों, मैंने डाला ही नहीं है कबूतरों को, फिर भी देख लो दोस्तों किस टाइप का कबूतर हमारे खा रहे हैं मिट्टी को एकदम, ठीक है दोस्तों। अब मैं जाके आपके सामने ही इसको डाल रहा हूँ दोस्तों, ये अपनी मिट्टी है, हल्का हल्का छीट देता हूँ दोस्तों, मिला देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी देख लीजिए दोस्तों, अब दोस्तों आप बोलेंगे कि भाई इसमें अजवाइन और काला नमक तो मैं हर बार ही मिलाता हूँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों अभी गर्मी में देखिए दोस्तों, इसमें कुछ भाई जैसे अभी गर्मी में आपको क्या नहीं मिलाना है, एक तो इसमें आपको दोस्तों जो काली मिर्च है, दखनी मिर्च है, ठीक है, ये सब चीज़ें दोस्तों अभी गर्मी में कबूतर को मत खिलाओ दोस्तों। मैं तो दोस्तों अभी इसमें अजवाइन और वही डाला हूँ दोस्तों, काला नमक,
और हर बार दोस्तों लीवर 52 की दो गोलियां भी डाल दीजिए दोस्तों, उससे भी कोई जैसे जिस भाई के कबूतरों में सूखे का टेंशन हो रही है वो लीवर 52 की गोलियां भी डाल सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे देख मौसम के हिसाब से आप खुद ही उसमें मिट्टी में जो चीज़ें आपको लगे कि हाँ इसमें और क्या ऐड कर दे, जैसे ठंडी के दिनों में गुड़ भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, है ना। अभी गर्मी का दिन है तो गुड़, काली मिर्च ये सब चीज़ें मत डालो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों कबूतर बहुत चाव से खाते हैं दोस्तों, बहुत आसान तरीका है और सस्ता तरीका है दोस्तों। मैं 100% बोल रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से अपने कबूतरों को दोगे दोस्तों तो ना उनका कभी पोट जाम होगा, ना मादी अंडा देने से बंद होगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब जो मैं यूज करता था दोस्तों वो आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा खुद इस्तेमाल किया हुआ फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, मेरे पूरे कबूतर बड़े चाव से भी खाते हैं दोस्तों, इसको देख लीजिए तो कैसे फुर्ती में है दोस्तों, आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।